नमस्कार। मैं आज आप सब लोगों से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के विषय में कुछ वार्ता करना चाहूँगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा हमारे देश में काफ़ी लंबे समय से मलेरिया के इलाज में और कुछ ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि ल्यूपस के इलाज में मुख्यतः प्रयुक्त या प्रयोग में लाई जाती रही है। कोरोना पैंडेमिक फैलने के बाद सर्वप्रथम अप्रैल 2020 में जर्नल ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें कि दावा किया गया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना वायरस का इलाज करने में पूर्णतः सक्षम है, इसको देखते हुए पूरे विश्व में अचानक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इवन हमारे देश में ही मेडिकल स्टोरों से रातों ही रात में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा एक तरीके से बिल्कुल समाप्त हो गई। और जो बहुत सारे पेशेंट जो कि ऑटो इम्यून डिजीज़ के पेशेंट से जो पहले से ये दवा खा रहे थे, उनके लिए दवा की एकदम मार्केट में शॉर्टेज आ गई। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा आखिर में है क्या और इसका कोरोना के इलाज में क्या है, वास्तव में कारगर है कि नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, क्या हर एक के लिए ये दवा खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, इसके विषय में मैं आज आपको कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो अभी तक ये विभिन्न शोधों में या किसी भी रिपोर्ट्स में ये पूर्णतः ठोस तरीके से नहीं कहा गया है और ना ही ये ठोस तरीके से सिद्ध हुआ है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन कोरोना वायरस के इलाज में पूर्णतः या पूर्ण तरीके से कारगर है। एक ये थ्योरी ज़रूर है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन एक्चुअल में हमारी बॉडी के एनवायरनमेंट को बेसिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर देती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो विभिन्न तत्व होते हैं उनके मुख्यतः दो मूल स्वरूप होते हैं, या तो एसिडिक स्वरूप होता है या बेसिक स्वरूप। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या होती है कि जो एसिडिक स्वरूप होता है उसको बेसिक स्वरूप में कन्वर्ट कर देती है बॉडी के मटेरियल को या बॉडी के फ्लूड्स को, बॉडी के प्लाज्मा को। और जो कोरोना वायरस जो हमारे ह्यूमंस की या आदमी के शरीर में जो एंट्री करता है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में इसकी एंट्री ज़्यादा अच्छी होती है और एसिडिक एनवायरनमेंट में ये शरीर की सेल्स के अंदर एंडोसाइटोसिस के माध्यम से एंट्री करने में सक्षम होता है। और एक बार अगर ये सेल में एंट्री कर गया तो वहाँ पर ये रिप्लिकेट या डिवाइड होके अपनी कई सारी कृतियाँ बनाकर शरीर को इन्फेक्टेड कर देता है। तो इसलिए जो कोरोना वायरस की एंट्री है वो मानव शरीर की सेल्स में उतनी अच्छी या उतने अच्छे तरीके से नहीं होती है जितनी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की अनुपस्थिति में होती है। ये सिर्फ एक हाइपोथीसिस है और ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी साइंटिफिक हाइपोथीसिस हो वो एक्चुअल वर्ल्ड में और प्रैक्टिकल लेवल पे वो पूर्णता सत्य हो। मेरी सलाह है कि ये यूज़ सिर्फ डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ख़ास तौर से जो हृदय के रोगी हैं वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को अपने बिना चिकित्सक के परामर्श के बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का एक मुख्य साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये ECG में जो QT इंटरवल होता है उसके लिए ये प्रोलॉन्ग कर देता है, और जब QT इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है तो सडन कार्डियक अरेस्ट के या सडन कार्डियक डेथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हृदय रोग के जो रोगी हैं वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को अपने डॉक्टर की बिना सलाह के बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस में अभी तक इलाज में ये देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और एजिथ्रोमाइसिन का साथ में इस्तेमाल किया जाता है, और एजिथ्रोमाइसिन भी QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन भी QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करती है। तो इसलिए हार्ट के पेशेंट इन दोनों दवाइयों का सेवन अपने चिकित्सक के बिना परामर्श के बिल्कुल ना करें, और ख़ास तौर से रोकथाम के लिए बिल्कुल ना करें। बहुत से लोग मैंने देखा है पब्लिक में आजकल ये कर रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को खरीद रहे हैं मार्केट से और बिना किसी चिकित्सीय परामर्श के उसको खा ले रहे हैं कि इसको खाने के बाद हम कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं होंगे। ये बिल्कुल एक मिथ है, मिथ के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सर्वप्रथम तो अभी तक इसका कोई ठोस रिपोर्ट्स में तथ्य आया नहीं है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन लेने के बाद कोरोना वायरस नहीं होगा। मेरी सभी आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल अपने बिना चिकित्सक के परामर्श के बिल्कुल भी ना करें, ख़ास तौर से हृदय रोगी। कोरोना वायरस से रोकथाम के जो अन्य तरीके हैं
जैसे कि मास्क पहनना, अपने हाथों को बार बार 20 सेकंड तक दिन में कम हर घंटे पे या 2 घंटे पे धुलना, और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाना। कृपया कोरोना वायरस से बचाव के लिए उन तरीकों को अपनाएं और बिना किसी परामर्श के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें।